अल्फाबेट अल्फाबेट स्कोर तुम्हें क्या कहते हैं? अल्फाबेट इसका छोटा एक डेफिनेशन है, तारीफ है कि अल्फाबेट्स आर द बेसिक मटेरियल बाय विच आर लैंग्वेज इज मेड। यानी कि हुरूफ तहजीब क्या है? हुरूफ तहजीब वो बुनियादी सामान है जिनसे कोई जबान बनती है। हुरूफ तहजीब वो बुनियादी सामान है जिनसे कोई भी जबान बन सकती है, चाहे कोई भी जबान हो, उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, फारसी हो या सिंधी हो, हर जबान का बुनियादी हुरूफ लाजमी है। ठीक है, तो उर्दू आप लोगों ने पढ़ा है, उर्दू में कितने हुरूफ तहजीब है? उर्दू में कितने? 56 है। कितने? 56 है भारी अल्फाज के साथ। ठीक है, भारी अल्फाज है जो भेद है उनके साथ कुल 56 है। इसी तरह अंग्रेजी में कुल 26 हुरूफ है। कितने? 26। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी जबान में कितने हुरूफ है तहजी? 26। उनका तादाद 26 है। कौन कौन से हैं जो कि ए से लेकर जेड तक है? अंग्रेजी जबान में 26 हुरूफ तहजी है जो ए से लेकर जेड तक है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइटिंग इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी के हुरूफ तहजी के लिखने के दो तरीके हैं। अल्फाज वही है, आवाज वही है, पढ़ने के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल होंगे, लेकिन इनके लिखने के तरीके का दो है। एक है कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। ये जो ए बी सी डी हमने लिखा हुआ है ये कौन सा है? कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है। इनके लिखने के दो तरीके का। ठीक है, अल्फाज वही है, आवाज भी इन सबका एक ही है, लेकिन इसको कहा जाता है कैपिटल लेटर और इसको स्मॉल लेटर। लिखने के दो तरीके का। उसके बाद अंग्रेजी के जो 26 हुरूफ है ए से लेकर जेड तक, इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। कौन कौन से हैं दो हिस्से? वावल और कंसोनेंट। ठीक है, अंग्रेजी के 26 हुरूफों को दो हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। नंबर एक वावल। वावल उर्दू में कहते हैं किसको? हुरूफ इल्लत को। वावल को उर्दू में क्या कहते हैं? हुरूफ इल्लत। और कंसोनेंट को हुरूफ सही। वावल की तादाद 5 है। ठीक है, और कंसोनेंट की तादाद 21। वावल कौन कौन से? ए आई आई ओ यू। अब देखिए यहाँ पर ए ई आई ओ यू में लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? वावल इनको दो हिस्सों में तकसीम क्यों किया गया है? इनको वावल क्यों कहते हैं? हुरूफ इल्लत क्यों कहा जाता है? याद रखिए बेटा, जिस तरह उर्दू में आप जेर जबर और पेश पढ़े या नहीं अल्फाज की आवाज बदलने के लिए, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर अलिफ को सीन, ठीक है, इसके ऊपर पेश लगा लेते क्या बनेगा? उस। अगर हम इसके नीचे जेर लगा लेते तो क्या बनेगा? इस। यानी कि जेर जबर। इसी तरह अंग्रेजी में जेर जबर और पेश का आवाज देने के लिए इन वावल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये ए ई आई ओ यू ये जो 5 अदाद हैं ये वही लेटर्स हैं, हुरूफ हैं जो अंग्रेजी जबान में जेर जबर और पेश का काम करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कंसोनेंट। कंसोनेंट क्या चीज़ है? हुरूफ से ये क्या चीज़ है? कंसोनेंट उनकी कुल तादाद है 21। याद रखिए ये कंसोनेंट वो हुरूफ हैं जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। ठीक है बेटा, वैसे हम इसको बी से बे या सी से काफ या सी से डी का आवाज ले सकते हैं, लेकिन लिखने में असर पढ़ने में इनका अपना कोई भी आवाज नहीं है। ठीक है, कंसोनेंट उनकी तादाद हुरूफ सही उनकी तादाद 21 है। कंसोनेंट वो हुरूफ है जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं होती। इनको अपनी आवाज पैदा करने के लिए किसी न किसी वावल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई वावल इनके साथ मिलेगा फिर ये अपनी आवाज पैदा करेंगे, अदरवाइज ये अपनी आवाज नहीं पैदा कर सकते। ठीक है, अक्सर इसके बाद हमें पढ़ाया जाता है कि वावल्स के बाद वावल्स के बिना कोई भी लफ्ज नहीं बन सकता है। नहीं ऐसा ही पढ़ा है आप लोगों ने? वावल यानी कि कोई भी लफ्ज हो ए ई आई ओ यू, इन पांचों अल्फाजों के बिना, पांचों हुरूफों के अलावा कोई भी लफ्ज नहीं बन सकता। कोई भी आप लफ्ज बनाना चाहते हैं तो उसमें ये वावल लाजमी है।
ठीक है। जब हम देखते हैं वावल लाजमी है तो हमारे जहन में दूसरे भी सवाल आते हैं, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनमें वावल है तो होता ही नहीं है, ऐसा कोई लफ्ज है आपके जहन में जिसमें कोई वावल ना हो, कोई लफ्ज है बगैर वावल के? बहुत सारे हैं, किराए फिलाए ट्राए, इसमें वावल है टी आर वाई, वावल है इसमें, ना ए है ना ई है ना आई है ना ओ है ना यू है, कुछ भी नहीं है। टी आर वाई मिसाल के तौर पर हम लिख देते ट्राई फिलाए किराए, बहुत सारे अल्फाज है इनमें है कोई कहीं पर वावल? वावल नहीं है तो फिर यहाँ पर कंसोनेंट हुरूफ सही ने अपना आवाज कैसे पैदा किया? अभी से हमने समझाया कि कंसोनेंट हुरूफ सही वावल के बिना अपना आवाज नहीं पैदा कर सकते, तो यहाँ पर ये तो लफ्ज बन गए, उन्होंने अपना आवाज पैदा कर दिया, ये कैसे हुआ? याद रखेगा इन वावल के अलावा जो पांच वावल है इनके अलावा दो और लफ्ज वाई और डब्ल्यू, याद रखें वाई और डब्ल्यू वो दो हरूफ हैं जो वावल भी हैं और कंसोनेंट भी हैं। वाई और डब्ल्यू वो दो हरूफ हैं जो वावल भी हैं और कंसोनेंट भी हैं, इनको कहा जाता है सेमी वावल। क्या? सेमी वावल। सेमी वावल यानी कि जो वावल भी हैं कंसोनेंट भी हैं, ठीक। अब जब ये सेमी वावल वाई और डब्ल्यू सेमी वावल है तो कैसे पता चलेगा ये वावल है या कंसोनेंट है? याद रखो इसका निशानी बता रहा हूं, ए पढ़ा। जब डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई किसी लफ्ज के दरमियान या आखिर में आ जाए, डब्ल्यू और वाई किसी लफ्ज के दरमियान या आखिर में आ जाए वावल कह रहे हैं, ठीक। W और Y किसी लफ्ज के दरमियान या आखिर में आ जाए फिर उनको हम वावल समझेंगे, जैसे फिलाए ट्राए किराए, यहाँ पर ए ई आई ओ यू इन पांचों हरूफों में से कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पर Y का इस्तेमाल है तो Y ने यहाँ पर किसका किरदार अदा किया? तो वावल का किरदार अदा किया, Y यहाँ पर वावल है। जब किसी लफ्ज के दरमियान या आखिर में आ जाए तो वावल कहलाएंगे। और अगर Y और W किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो ये कंसोनेंट। याद रखो Y और W, Y और W किसी लफ्ज के शुरू में आ गए तो फिर वो क्या पढ़ा जाएगा? कंसोनेंट। कंसोनेंट होंगे जैसे ये वाज वाल और बहुत सारे अल्फाज शुरू में आ गए तो क्या है? कंसोनेंट है। आखिर में या दरमियान में कहीं पर आ जाए Y और W सेमी वावल है। ये सेमी वावल इतने इम्पोर्टेंट है। अभी ये सेमी वावल और वावल पांच वावल हैं, दो के हैं सेमी वावल डब्ल्यू और वाई, कुल कितने हुए? सात। इन सातों के अलावा कोई भी लफ्ज बनना नामुमकिन है। याद रखो लफ्ज उसे कहते हैं जिसका कोई माना या मतलब हो, ठीक है, उसी चीज को लफ्ज कहते हैं। वैसे ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक लफ्ज लिख लिया एन टी एस, हम इसको जिदा कर क्यों पढ़े? एन टी एस इसलिए पढ़ेंगे इसमें कोई भी वावल नहीं है, ना वावल है ना सेमी वावल है। इनको हमेशा बड़े एबीसीडी में लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, ठीक है, और जुदा जुदा पढ़ा जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि एन का मतलब कुछ और है, टी का कुछ और है, एस का कुछ और है। अब यहाँ पर एन टी एस इसका मतलब है नेशनल टेस्टिंग सर्विस, एन से नेशनल, टी से टेस्टिंग, एस से सर्विस, नेशनल टेस्टिंग सर्विस को कहा जाएगा, ठीक है। ये इसका बहुत फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, एन टी एस इसको लिखते हैं। अब इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं डी सी, ठीक है, डी सी यानी कि इसको जुदा जुदा पढ़ते हैं। डी सी इसको जुदा जुदा क्यों पढ़ते हैं? इसमें कोई वावल नहीं है, कोई सेमी वावल नहीं है, ये कोई लफ्ज नहीं है,
इसको जुदा जुदा पढ़ते हैं, इसका मतलब डी किसी और का मुखौटा है और सी किसी और का। यहाँ पर डी से डिप्टी, सी से कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर डी सी और मतलब से कहा जाता है। लेकिन डी सी का मतलब क्या होता है? डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, याद रखो कोई भी लफ्ज हो वाई और डब्ल्यू सेमी वॉवल और वॉवल्स के बिना कोई भी लफ्ज नहीं बन सकता। चाहे आप अखबार देख लें, टेलीविजन देख लें, किताब देख लें, जहाँ पे जाएंगे सेमी वॉवल और वॉवल के बिना कोई भी वर्ड आप लोगों को नहीं। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे वर्ड लफ्ज।